दोस्तों इस T20 वर्ल्ड कप में हमने कई दफे इस मुद्दे को उठाया है कि इंडिया का जो बैटिंग लाइनअप है वो कहीं ना कहीं चरमराता नजर आया है, बट एट द एंड कोई ना कोई खिलाड़ी भाई स्टेप अप करता है और रन स्कोर करके जाता है। जैसे कि लास्ट मैच में हार्दिक पांड्या भाई 50 रन उन्होंने बनाए और उतने ही मार्जिन से टीम इंडिया मुकाबला जीती है अगेंस्ट बांग्लादेश, जहां पे लग रहा था एक पॉइंट पे ऐसा आया था कि बांग्लादेश रिदम पकड़ रही थी और उस रिदम पर ब्रेक लगाते हुए टीम इंडिया ने भाई जीत दर्ज करी और अपनी जो विनिंग स्ट्रीक है उसे बरकरार रखा है। ऑन दी अदर हैंड एक सबसे बड़ा अपसेट एक बार फिर उसी एक टीम ने किया है। जी हाँ, बात हो रही है अफगानिस्तान की। दोस्तों पहले तो न्यूजीलैंड को हरा कर उन्हें T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। अब दोस्तों मैं तो ये कहता हूं कि ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को ये मुकाबला हराया है बल्कि वर्ल्ड कप में अपनी हार का बदला भी इस T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने ले लिया है। एज एक्सपेक्टेड यार, ये चीज मैंने कई लोगों से बोली थी और वीडियो में भी बताई थी कि अफगानिस्तान एक ना एक अपसेट तो और जरूर करेगी और वही हमें देखने को मिला। हाल फिलहाल दोस्तों जो मुद्दा है हमारा ग्रुप वन का आखिरी सुपर एट का मुकाबला जो कि तय करेगा कि भाई सेमीफाइनल्स में कौन सी टीम जाती नजर आ रही है। हालांकि अभी तक की नतीजे को अगर आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के चांसेस बन रहे थे ग्रुप ए से। हालांकि दोनों ही टीम का ये लास्ट मैच है एक दूसरे के खिलाफ, बेहद क्रूशियल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि यहां से मैच जीतकर वो सेफली भाई सेमीफाइनल्स की ओर बढ़ना जरूर चाहेंगे। यहां पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट पर चर्चा करते हैं। डेरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये मुकाबला है और इस T20 वर्ल्ड कप में 5 मुकाबले खेले गए हैं। 3 मैचेस पहले बल्लेबाजी करते हुए और 2 मुकाबले सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। और खास तौर से यहां पर एक बात बोलना चाहूंगा, जब 2 बड़ी टीम्स के बीच मुकाबला हो रहा है तो पहले बल्लेबाजी करना यहां पर फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि एवरेज स्कोर जो है वो 194 का नजर आता है। अफगानिस्तान ने यहां पर 114 का लोएस्ट स्कोर बनाया था और वेस्टइंडीज ने 218 रन ठोके थे, तो बैटर्स के लिए भी ये काफी अच्छी ट्रैक मानी जा सकती है। हालांकि जब बॉलर्स की बात करते हैं तो 55 विकेट चटकाए गए हैं इन 5 मैचेस, 33 विकेट पेसर्स ने और 22 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। अब यहां पर जो स्पिनर्स हैं, चाहे आपके एडम जैम्पा हो या इधर कुलदीप यादव हो, दोनों के लिए ये ट्रैक भाई विकेट टेकिंग नजर आ सकता है। अब बढ़ते हैं हेड टू हेड कंपैरिजन की ओर। दोस्तों टोटल 31 मुकाबले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए हैं T20 फॉर्मेट के। एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला है। 19 मुकाबले इंडिया ने जीते हैं और 11 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया को जीत दर्ज मिली है। ये डिफरेंस जो है दर्शाता है इंडिया का डोमिनेंस। वहीं जब T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो 5 मैचेस हुए हैं, 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने और 3 मुकाबले इंडिया ने जीते हैं। तो दोस्तों ये तो हुई बात वेन्यू की और उसके बाद हेड टू हेड कंपैरिजन की। अपकमिंग कॉन्टेस्ट में प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है और कौन से ऐसे खास खिलाड़ी हैं जिन पर रखनी चाहिए हम सभी को नजरें, आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। दोस्तों अगर आप लाइनअप पे गौर करेंगे तो डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, साथ ही साथ मार्कस स्टोइनिस और ग्लेन मैक्सवेल, ये हैं ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने इस T20 वर्ल्ड कप में प्रदर्शन किया है, अच्छा प्रदर्शन। जहां पे मैक्सवेल का तो भैया बल्ला बोलना शुरू हो गया है, देजा वो कर दिया था उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ एक बार फिर। भाई लग रहा था कि अफगानिस्तान के शिकंजे से मैच यही बल्लेबाज निकाल दे जा सकता है। लाइनअप अगर आप देखें तो 59 रन बनाए इन्होंने 143 के स्ट्राइक रेट से अफगानिस्तान के खिलाफ। उससे पहले टॉप ऑर्डर में डेविड वार्नर रन बना रहे हैं, 172 रन ठोक चुके हैं 6 मैचेस में, 140 के आसपास का स्ट्राइक रेट नजर आता है। वहीं ट्रेविस हेड ने 6 मैचेस में 179 रन बनाए हैं, स्ट्राइक रेट है इनका 151 का। लेकिन दोस्तों जब आप बात करते हैं ऑलराउंडर की तो आईपीएल के समय से मैं बोलता आ रहा हूं एक खिलाड़ी मार्कस स्टोइनिस, ये ऐसा प्लेयर है जिसका दिन अगर बन गया तो भाई बड़ी सी बड़ी टीम को सिंगल हैंडेडली ये मात दे सकता है। 6 मैचेस में 167 रन है और स्ट्राइक रेट भी इनका 160 के आसपास है और 8 विकेट चटका चुके हैं। अनदर लीडिंग विकेट टेकर फॉर ऑस्ट्रेलिया ये है मार्कस स्टोइनिस। ये तो हुई बात बल्लेबाज और ऑलराउंडर की। जब आप बॉलर्स की बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहला नाम तो आपको एडम जैम्पा का लेना होगा। डेरेन सैमी नेशनल स्टेडियम में जिस तरीके का ट्रैक अभी तक हमने देखा है, यार ये कहना गलत नहीं है कि एडम जैम्पा यहां पर भाई कारगर साबित हो सकते हैं। 6 मैचेस में इन्होंने 13 विकेट चटकाए हैं 6.08 की इकोनॉमी से। अब वहीं अगर आप बात करें दूसरे गेंदबाज पैट कमिंस की तो 6 मैचेस में 9 विकेट हैं, 6.4 का इकोनॉमी है। लेकिन दोस्तों जब आप इनके बॉलिंग अटैक पे गौर करते हैं ना तो एक छोटा सा चेंज हमें देखने को मिल सकता है। मिचेल स्टार्क प्लेइंग 11 में आ सकते हैं, हालांकि पोटेंशियल चेंज के तौर पर एश्टन अगर अभी भी टीम में शामिल हो सकते हैं। अब यही मैं बात करने जा रहा था, जो टीम का बॉलिंग अटैक है चाहे वो आपके मिचेल स्टार्क हो या जॉश हेजलवुड, अभी तक इनके प्रदर्शन में वो स्पार्क हमें देखने को नहीं मिला है, चाहे वो जॉश हेजलवुड हो या फिर मिचेल स्टार्क। तो ये अभी भी एक, मैं तो ये कहूंगा कि अभी ऑस्ट्रेलिया का जो बॉलिंग अटैक है जो कि अभी फुल फ्लेश्ड अपनी फॉर्म में उतरा नहीं है। भाई अब आते हैं टीम इंडिया की ओर। भाई लोग अगर लाइनअप पे आप गौर करें तो
कोई मेजर चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा, टीम सॉर्टेड है यार। कई दफे लोग बोल रहे हैं कि यार ये शिवम दुबे को हटाओ या यशस्वी को लाओ या सैमसंग को लेके आओ, बट राइट नाउ यार मेरे हिसाब से देखो, आप इस बात को एग्री करते हो या नहीं कमेंट्स में जरूर बताना। अकॉर्डिंग टू मी, जब आप किसी एक मेजर ऑलराउंडर की बात करते हो ना, इंडिया के लिए बोला जाता है हार्दिक पांड्या की तर्ज पर कोई भी खिलाड़ी नहीं मिला है जो कि एक अच्छा बैटर भी हो, पावरफुल बैटर हो, हिटर हो और फास्ट बॉलर भी हो। तो यहां पर शिवम दुबे दोस्तों ऐसा खिलाड़ी बन सकता है अगर इस बंदे पर अच्छे से काम किया गया ना। दोस्तों शिवम दुबे वो खिलाड़ी है जो कि हार्दिक पांड्या को टक्कर दे सकता है जो ऑलराउंडर की फेहरिस्त है उसमें। तो हाल फिलहाल अगर आप बैटर्स की बात करते हैं तो ऋषभ पंत का प्रदर्शन लगातार अच्छा चल रहा है, 5 मैचेस में 152 रन है, 135 का स्ट्राइक रेट है। वहीं सूर्य कुमार यादव यार लास्ट मैच में चले नहीं, बट 5 मैचेस में 118 रन, 129 का स्ट्राइक रेट, एंड वी नो 2 मैचेस उन्होंने बहुत क्रूशियल जिताए हैं। सबसे बड़ी बात है टीम इंडिया जो है अभी तक अनबीटन है। अब ये अच्छी बात है या फिर ये संकेत हमें पिछली बार भी देखने को मिले थे, तो कहने वाली बात है कि यार एक मैच तो हार जाए, भले ही अभी हार जाओ आगे जीतना बहुत जरूरी है। तो विनिंग स्ट्रीक चल रही है, बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों लास्ट मैच में सूर्य कुमार नहीं चले हमारे, तो हार्दिक पांड्या का बल्ला बोला है भाई, इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 50 रन बनाए और वही 50 रन के मार्जिन से इंडिया जीती है। अब ना सिर्फ बल्लेबाजी, गेंदबाजी में भी इनका प्रदर्शन अच्छा है, 8 विकेट इन्होंने अपने खाते में जोड़ लिए 6.4 की इकोनॉमी से। तो ये है हार्दिक पांड्या फॉर नाउ। अब अगर बात करी जाए दूसरे बल्लेबाजों की तो उसमें रोहित शर्मा है भाई, स्टार्ट उन्होंने अच्छा दिया था बांग्लादेश के खिलाफ, हालांकि वो जो आ रहा था चाहे वो रोहित हो या फिर सूर्य कुमार, सभी अपना विकेट देते चले जा रहे थे ऐसा लगा था। तो इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में भाई बेहद जरूरी है टॉप ऑर्डर को रुक कर खेलना, क्योंकि रोहित और विराट कोहली दो ही ऐसे बल्लेबाज एक्सपीरियंस बैटर है जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भाई टट कर खेल सकते हैं। हालांकि अफगानिस्तान ने हरा दिया है तो हमारे शेयर कम थोड़ी ना है। तो ये तो ही बात बल्लेबाजों की। अब बढ़ते हैं बॉलर्स की ओर। भाई हर्षदीप ने 5 मैचेस में 12 विकेट ले लिए हैं और जसप्रीत बुमराह भी ठीक इनके पीछे पीछे चल रहे हैं 10 विकेट के साथ। अब यहां पर इस ट्रैक को मद्देनजर रखते हुए एक गेंदबाज जो कि गेम चेंजर बन सकते हैं वो है कुलदीप यादव। दोस्तों 2 मैचेस में इनके पास 5 विकेट हैं, दोनों ही मैचेस में इन्हें मौका मिला और इन्होंने विकेट निकाल के दिए। ओवरऑल जो पिक्चर बनती है वो साफ है कि भाई इंडिया अभी तक अनबीटन रही है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी जीतने की प्रबल दावेदारी पेश करती है। ऑस्ट्रेलिया चूंकि अफगानिस्तान के खिलाफ हार चुकी है तो भाई वो कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, वही हाल यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का हो सकता है। थोड़ा संभल कर खेलने की बेहद जरूरत है। और हाल फिलहाल इस पूरे एनालिसिस को सुनने समझने के बाद पूरे T20 वर्ल्ड कप की भाई दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस को देखते हुए क्या लगता है आपको, कौन सी टीम ये मुकाबला जीत रही है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आइए करते हैं गुफ्तगू। और ये वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे दोस्तों, तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।